Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 29th February 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about India's genetic map. This topic is important from our syllabus GS Paper 3 Science and Technology point of view. Deke. कुछ पहले बेसिक्स देखते हैं एंड देन वी विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट तो ह्यूमंस के अंदर जो मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर बॉडी होता है वो होता है सेल्स ये आप जानते हैं सेल्स के अंदर एक जो इंपॉर्टेंट सब पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर एक तरीके का कंटेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमोजोम तो क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है एक्स टाइप का ऐसा कुछ क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर होता है तो भी क्रोमोजोम इज अप ऑफ जीन्स एंड जींस का जो बेसिक यूनिट होता है दैट इज डीएनए डीएनए इंसानों के अंदर जो होता है दैट इज लाइक दिस डबल हेलिकल स्ट्रैंड एंड इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल्स या मटेरियल्स विच गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग सेल है जो मोस्ट फंडामेंटल यूनिट है लेकिन सेल के अंदर फिर होते हैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोजोम क्रोमोजोम बना होता है विथ जीन्स इस तरीके से क्रोमोजोम के ऊपर जीन्स होते हैं एंड दी जीन्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जिनको हम लोग कहते हैं डीएनए, विच इज अ डबल हेलिकल स्ट्रैंड और डीएनए में बेसिक हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन होते हैं और वो हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन फिर पेरेंट्स से बच्चों में पास होते हैं बिकॉज ऑफ दिस डीएनएस रिलीजिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स तो पेरेंट्स के जो फीचर्स है वो बच्चों में दिखते हैं बिकॉज ऑफ द हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन पास फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स दोज हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन डी एन ए मेकिंग जीन्स जीन्स मेकिंग क्रोमोजोम अब जितने भी जीन्स हैं अगर सबको कंबाइन कम, कर दिया जाए जैसे एक क्रोमोजोम के अंदर जीन्स होंगे फिर अलग अलग एक ही सेल के अंदर दूसरा जो क्रोमोजोम होगा उसके अंदर अलग जीन्स होंगे तो एक इंसान के एक बॉडी सेल के न्यूक्लियस में जितने क्रोमोजोम्स हैं इनके सारे जीन्स को अगर एक साथ देखा जाए तो उनको कहा जाता है जेनोम्स विदिन द सेल इज नोन मेकअप। एक इंसान का जेनेटिक कंपोजिशन क्या क्या है वो सब कुछ जेनोम के अंदर होता है तो मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है उसके अंदर ये फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज मैं कह रहा हूँ तीन क्रोमोजोम तीनों क्रोमोजोम के अंदर अलग अलग जीन्स होंगे और वो जीन्स बने हैं डीएनए से ये सारे जींस को अगर मिला दिया जाए तो दैट लीड्स टू तो फॉर्मेशन ऑफ जेनॉम्स एंड जेनोम्स को अगर हमने स्टडी कर लिया तो हम इस बच्चे का या इस इंसान का पूरा पूरा जेनेटिक मेकअप समझ सकते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट जेनेटिक मेकअप इफ वी स्टडी जेनोम्स तो भारत के अंदर एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुई जेनोम इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च हुई साल 2020 में इसको लीड किया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने और फिर भारत के 20 लीडिंग बीसिंग आई आई सी बैंगलोर जेनोम इंडिया प्रोजेक्ट का मुख्य गोल है जो पूरा हो गया है इसी कारण से न्यूज आया है कि 10,000 थाउजेंड इंडियंस फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड अलग अलग लोकैलिटी अलग अलग रीजन के दस हजार लोगों का जेनोम्स यानी कि कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसको स्टडी किया जाए और उसको डेटा को स्टोर किया जाए सो जाएजेंड इंडियंस अप स्टडीड एंड देर डेटा बीन नाउ इसको कंप्लीट किया जाना था बाय द एंड ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री फेज वन ऑफ जेनोम इंडिया प्रोजेक्ट टोटल बीस हजार इंडियंस के जेनोम्स को स्टडी कर करना उसमें से फेज वन में दस हजार इंडियन जेनोम्स को स्टडी करना था वो अब पूरा हो गया दैट इज द करेंट न्यूज जेनोम को स्टडी करके फायदा क्या होगा सबसे बड़ा फायदा होगा हेल्थ केयर सेक्टर में तो जेनोम्स की मदद से जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो रिसर्चर्स हैं दे वुड बी एबल टू मेक बेटर डायग्नोस्टिक्स ऑफ डिफरेंट पॉसिबल डिजीजेस क्योंकि इंडियन जेनोम्स को अगर डॉक्टर्स अच्छे से समझ गए कि अच्छा इसके अंदर ये ये चीजें हैं

डाइवर्स पॉपुलेशन के जेनोम को अगर स्टडी कर लिया जाए डेटा स्टोर कर लिया जाए तो भारत के अंदर होने वाली अलग अलग तरीके की पॉसिबल बीमारियां उनका क्या बेहतर इलाज हो सकता है वो सब कुछ किया जा सकता है विद हेल्प ऑफ दिस जेनॉम स्टडी वही किया गया जेनॉम इंडिया प्रोजेक्ट में हेल्थ केयर सेक्टर में मेडिकल रिसर्च डायग्नोस्टिक्स में मदद मिलेगी खासकर फॉर डिजीजे लाइक कैंसर एंड डायबिटीज प्री नेटल जेनेटिक स्क्रीनिंग बच्चों में होने वाली जो पॉसिबल बीमारियां हैं जो उनके पेरेंट्स उनमें पास हो सकती हैं उनको पहले ही अवॉइड किया जा सकता है इस एरिया के लोगों के अंदर ये पर्टिकुलर तरह की बीमारी काफी ज्यादा देखी जा रही है और ये बीमारी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आसानी से पास होती है अगर ये इंफॉर्मेशन मिल गया तो फिर उस बीमारी को अवॉइड करने के लिए करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं इवोल्यूशन को काफी हद तक समझा जा सकता है ह्यूमन इवोल्यूशन को रेयर जो बीमारियां हैं रेयर डिसऑर्डर्स हैं उनको भी काफी हद तक टैकल तक किया जा सकता है अंडर दिस जेनॉम इंडिया प्रोजेक्ट जो जेनॉम इंडिया प्रोजेक्ट है इट टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम ह्यूमन जेनॉम प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल लेवल पे ऐसा प्रोजेक्ट 1990 में स्टार्ट किया गया था जो जाकर के कंप्लीट हुआ साल 2013, 2003 में आई एम सो सॉरी 13 साल में कंप्लीट हुआ ये 1990 से शुरू हुआ 2003 में कंप्लीट हुआ इट वाज लेड बाय

99 डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन के 10,000 थाउजेंड को स्टडी करके जेनोम डेटा बनाया गया है डिजिटल डेटा और वो डिजिटल डेटा को स्टोर किया गया है इन इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर इन फरीदाबाद देखिए इच सीक्वेंस ऑफ जीनोम रिक्वायर्स अबाउट 80 जीबी स्टोरेज स्पेस हर एक जीनोम के लिए स्टोरेज स्पेस चाहिए तो टोटल यो ए, आ, इंडिया जेनॉम प्रोजेक्ट में जो इन्फॉर्मेशन बनाए गए हैं डिजिटल इंफॉर्मेश उनको स्टोर करने के लिए जो हमें स्पेस लगा है वो है एट्टी सॉरी एटा बाइट्स तो ये इतना स्टोरेज करके ये डिजिटल इन्फॉर्मेशन विध रिस्पेक्ट टू टेन थाउजेंड हेल्थी इंडियन जीनोम्स इसको रखा गया है इन इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर इन फरीदाबाद और ये जो इन्फॉर्मेशन है डिजिटल इन्फॉर्मेशन ऑफ टेन थाउजेंड इंडियन जीनोम्स दैट विल बी एवलेबल

कि बॉडी के अंदर जो मोस्ट फंडामेंटल कंपोनेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं सेल इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोजोमेडअप ऑफ डी एन डबल हेलिकल स्ट्रांड्स होते हैं एंड दी एन एज कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन और सारे जीन्स को मिला दिया जाए ऑल जीन्स टूगेदर आर नोन अम जेनोम इंक्लूड कंप्लीट हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्सन जेनोम इंडिया प्रोजेक्ट विच हाज फ्रॉम ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट ऑफ द यूएस 2020 में स्टार्ट हुआ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने स्टार्ट किया जिसका मेन गोल था जेनोम मैपिंग ऑफ 10,000 थाउजेंड इंडियंस इन फेज वन वो अब कंप्लीट हो चुका है उसके डिजिटल डेटा स्टोर किए गए हैं इन इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर इन फरीदाबाद इससे फायदा होगा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स में रेयर डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने में और इवोल्यूशन को समझने में इस टॉपिक के बेसिस पे मेंस क्वेश्चन में बने दिया है जो लोग भी इस बार एग्जाम नहीं दे रहे हैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जितना भी हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस पे इस टेन वर्ड्स के क्वेश्चन को आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड दिस इज प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल साइंस डे दिस टॉपिक इज इंपोर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर थ्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू देखिए कल का दिन यानी कि अट्ठाईस फरवरी हमारे देश में सेलिब्रेट किया जाता है एज नेशनल साइंस डे क्योंकि इसी दिन 1928 में साइंटिस्ट सी वी रमन साहब ने फिजिसिस्ट साइंटिस्ट सी वी रमन साहब ने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी या रमन इफेक्ट कह सकते हैं उसकी खोज की और जिसके लिए बाद में उनको दो साल बाद ही उनको नोबल प्राइज फॉर फिजिक्स दिया गया इन 1930 तो 28 फरवरी को सी वी रमन साहब ने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की खोज की और इस रमर स्पेक्ट्रोस्कोपी के कारण उनको उन्नीस सौ में नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स दिया गया भारत सरकार ने 1986 में फैसला किया कि 28 फरवरी को हम लोग नेशनल साइंस डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे 2024 का नेशनल साइंस डे का थीम था इंडिजीनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत तो कल जो हमने नेशनल साइंस डे मनाया विद दिस पर्टिकुलर थीम इंडीजीनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर बात की जाए तो एक लाइन में अगर हम कहें तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी या रमन इफेक्ट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव केमिकल एनालिसिस टेक्निक इसका मतलब है कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से केमिकल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर को समझा जा सकता है कैसे ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी काम करता है तो वो भी जरा समझते हैं कोई भी लाइट मान लीजिए लेजर लाइट हमने एक केमिकल मॉलिक्यूल पे इंसिडेंट कराया तो लेज़र लाइट का ज्यादातर पार्ट 99 .999 पार्ट 99.999 जो है वो स्कैटर हो जाता है बट जो स्कैटरिंग होती है दैट इज इन द सेम वेवलेंथ जिस वेवलेंथ की लाइट हमने इंसिडेंट कराई थी स्कैटर्ड लाइट की भी वेवलेंथ मोरलेस वही रहती है तो स्कैटर्ड लाइट और जो इंसिडेंट लेजर लाइट था दोनों का वेवलेंथ सेम रहता है इस स्कैटरिंग को कहा जाता है रेले स्कैटरिंग लेकिन लगभग पॉइंट जीरो 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 लाइट जो है वो दूसरे वेवलेंथ पे स्कैटर होती है और ये जो स्कैटर्ड वेवलेंथ होता है जो काफी कम होता है बट उसका वेवलेंथ स्लाइटली लॉन्गर दैन द इंसिडेंट लेजर लाइट वेवलेंथ और ये जो लाइट है जो स्कैटर हुई है बट एट अ लॉन्गर वेव लेंथ एज कंपेयर टू द light लाइट वेव लेंथ ये लाइट को कहा जाता है रमन स्कैटरिंग तो जिस वेवलेंथ की लाइट डाली गई उसी वेवलेंथ की लाइट जो स्कैटर होती है 99.9% परसेंट उसको कहा गया रेले स्कैटरिंग, और जो अलग वेवलेंथ हाइयर वेवलेंथ की लाइट जो स्कैटर होती है जो काफी कम अमाउंट में होती है उसको कहा जाता है रमन स्कैटरिंग एंड दिस रमन स्कैटरिंग लाइट की वेवलेंथ को स्टडी करके इस केमिकल मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को समझा जा सकता है सो दिस इज रमन स्कैटर या रमन इफेक्ट विच इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव केमिकल एनालिसिस टेक्निक तो नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है सिंस 1986 सिग्निफिकेंस ऑन दिस डे साइंटिस्ट सीवी रमन साहब डिस्कवर्ड रमन इफेक्ट या रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी रमन इज नॉन डिस्ट्रक्टिव केमिकल एनालिसिस थ्रू लाइट स्कैटरिंग इंसिडेंट लाइट रेले स्कैटरिंग जो है उसी लाइट की स्कैटरिंग होती है 99.9% लेकिन थोड़ी अलग वेवलेंथ की जो लाइट स्कैटर होती है उसको कहा जाता है रमन स्कैटरिंग विच द स्ट्रक्चर ऑफ द केमिकल साल 2024 का थीम है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत इस टॉपिक के बेसिस पे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द द आंसर इन कमेंट सेक्शन नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एटी वन बॉन्ड्स एस बी आई जंगउजेंड करोर वाया एटी वन बॉन्ड्स अब ये न्यूज हमारे ज्यादा काम का है नहीं यम कवरिंग दिस आर्टिकल ताकि मैं आपको एटी वन बॉन्ड्स के बारे में समझा सकू इंडियन इकोनॉमी से संबंधित यह टॉपिक है एटी वन बॉन्ड्स को अगर हमें समझना है तो पहले हमें समझना होगा अबाउट बेजल नॉम्स इसी बहाने हम लोग एटी वन नॉम्स बेजल नॉम्स ये सब कुछ एटी वन बॉन्ड्स बेसल नॉम्स ये सब समझ लेते आराम से समझेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, See, ठीक है से थोड़ी दूर पे है। basil में, basil में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बी आई एस ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ये ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट 1930 में बनाया गया था और ये जो बी आई एस है वो तमाम जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है सुपरवाइज करता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन देखिए फॉर एग्जाम्पल भारत के अंदर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया अगर तो उसका सुपरविजन ओवरऑल करती है आरबीआई लेकिन मान लीजिए कि अमेरिका से कोई पेमेंट आया इंडिया के किसी बैंक अकाउंट में उसको हार्मोनाइज और सुपरवाइज करने के लिए तो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए ना वो ऑर्गेनाइजेशन है बीआईएस जिसको दुनिया भर की अलग अलग सेंट्रल बैंक्स ने मिल करके बनाया जैसे भारत से आरबीआई सो so, 1930 से ही बीआईएस काम कर रहा है इन बेजल टू विच सुपरविजन ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अभी काफी लेट जाकर कि 1980s में लगभग 50 साल बाद इसी बी आई एस हेडक्वार्टर के अंदर एक नई बॉडी बनाई गई जिसका नाम है बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन बी बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन बनाया गया अगेन बाय द सेंट्रल बैंक्स ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड कंट्रीज जिस सेंट्रल बैंक्स ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड कंट्रीज ने मिलकर के बीआईएस बनाया था उसी बीआईएस के ऑफिस में एक और अलग से कमिटी बना दी गई बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन शॉर्ट में कहें तो बेसल कमेटी इसका मेन काम है कि टाइम टू टाइम वो ऐसे नॉर्म्स रिलीज करता है स्टैंडर्ड्स रिलीज करता है जिसको अगर स्टिक किया जाए तो बैंक सेव और प्रिवेंटेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिस्क और फेलियर तो बेसल कमिटी आप कह सकते हैं कि एक कमिटी है इंटरनेशनल लेवल पे जिसका काम है बैंकिंग प्रैक्टिसेस में स्टैंडर्ड नॉर्म्स को बताना ताकि दुनिया भर के बैंक अगर उसको फॉलो करें तो दे कुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिस्क और फेलियर तो टाइम टू टाइम बेसल कमिटी ने अलग अलग स्टैंडर्ड्स रिलीज किए अभी भारत की तरफ से बेसल कमेटी के अंदर कौन पार्टिसिपेट करता है आरबीआई और सब लोग मिल करके फिर बेसल नॉर्म्स रिलीज करते हैं विच इज अ बेसिक स्टैंडर्ड नॉर्म्स फॉर सेफ बैंकिंग प्रैक्टिस तो टाइम टू टाइम बेसल नॉम्स रिलीज

3 norms में जो मेन फोकस है that is with respect to capital adequacy ratio. तो ये क्या होता है? वो जरा समझते हैं। देखिए, उसको सी ए भी कहते सी आर या आर इट इज डिफाइंड एज कैपिटल ऑफ द बैंक डिवाइडेड बाई रिस्क वेटेड एसेट्स ऑफ द बैंक ठीक है तो अब यहां पे हमारे सामने दो नए टर्म आ गए कैपिटल ऑफ द बैंक एंड रिस्क वेटेड एसेट ऑफ द बैंक पहले हम लोग रिस्क वेटेड एसेट समझते हैं बैंक्स के लिए रिस्क वेटेड एसेट क्या होता है देखिए किसी भी बैंक में जो पैसा हम लोग जमा करते हैं बैंक के अंदर वो उस बैंक के लिए होता है लाइबिलिटी और जो पैसा वो बैंक आगे लोगों को लोन पे देता है वो उस बैंक के लिए होता है असेट क्योंकि उस पर उस बैंक की होती है कमाई इंटरेस्ट मिलता है अगर इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाए फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम दिन द सेम असेट बिकम्स नॉन परफॉर्मिंग असेट ठीक है तो मुद्दा यह है कि बैंक जो आगे लोन पास करता है लोगों को देता है जिसपे उसको इंटरेस्ट की कमाई होती है वो बैंक के लिए होता है असेट अब बैंक मान लीजिए अलग 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 तरह के लोन देता है अलग अलग तरह के लोन पे अलग अलग रिस्क होता है पैसा ना लौटने का तो रिस्क तो है ही

ठीक है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट सरकार को लोन दिया है दो करोड़ का तो रिस्क वेटेड एसेट वुड वेटेड्लाइड विद टेन परसेंट प्लस टू करोड़ मल्टीप्लाइड विद ट्वेंटी मल्टीप्लाइड विदर्टीट दैट वुड बी द रिस्क वेटेड एसेट टोटल लोन इन द पर्टिकुलर कैटेगरी मल्टीप्लाइड विद द रिस्क एसोसिएटेड विद दैट कैटेगरी इज रिस्क वेटेड एसेट ओके तो ये तो हो गया रिस्क वेटेड एसेट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज डिफाइंड एज कैपिटल ऑफ द बैंक डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट कैपिटल ऑफ द बैंक मतलब बैंक के पास कितनी पूंजी है अब वो पूंजी उसके पास इक्विटी के फॉर्म में हो यानी कि जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने पैसा मिलाया हो या तो उस बैंक के पास उधार के फॉर्मेट में हो दोनों पैसों को मिला करके कहा जाता है कैपिटल ऑफ द बैंक और ये जो कैपिटल है उसके मेनली दो टाइप होते हैं टीयर वन एंड टीयर टू टीयर टू इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ शेयर इक्विटी एंड टीयर टू इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ डेट एंड अदर ऑफ डेट मतलब उधार राइट right? तो मुद्दा यह है कि बेजल थ्री नॉर्म्स मैंने आपको बताया मेनली फोकस्ड ऑन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कि एक बैंक के पास इतना तो कैपिटल कम से कम होना ही चाहिए तो बेजल थ्री नॉर्म्स कहते हैं कि मिनिमम एट परसेंट का तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए यानी कि अगर आपने सौ रुपया रिस्क वेटेड एसेट है आपका तो आपके पास कम से कम आठ रुपया तो आपका कैपिटल होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी एंड डेट टीयर वन एंड टीयर टू लेकिन आरबीआई ने इंडियन बैंक को बेसल थ्री नॉर्म्स के अंतर्गत जो गाइडलाइंस है उससे थोड़ा हाइयर टारगेट दिया है इंडियन बैंक्स को आरबीआई ने कहा है कि आप कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन कीजिए नाइन परसेंट का फॉर एनी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया जबकि भारत के अंदर जो सरकारी बैंक्स है, इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक उनको आरबीआई ने टारगेट दिया है कि आप कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन बारह बेजल थ्री तो बेसिक मिनिमम है आरबीआई ने उससे टारगेट दिया है इंडियन बैंक्स को। बैंक को शेड्यूल कमर्शियल बैंक को नाइन परसेंट और पब्लिक सेक्टर बैंक को बारह परसेंट अभी उसको अचीव करने के लिए भी आरबीआई ने लॉन्गर टर्म दिया है अभी हाल फिलहाल में आरबीआई ने टारगेट दिया है कि आप अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तक ये टारगेट्स को आप लोग पूरा करें दिस इज अबाउट बेजल थ्री नॉर्म्स अब अगर बात करें इन कैपिटल की टीयर वन एंड टीयर टू कैपिटल की टीयर वन कैपिटल इज मेनलीफ इक्विटी राइट इक्विटी मतलब बैंक की बात की जाए किसी भी एक बैंक की इट इज इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी कैपिटल मतलब जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने जो पैसा मिलाया है प्लस टीयर वन कैपिटल में वो पैसा भी आता है जो बैंक ने रेज किया है थ्रू एटी बॉन्ड्स एटी बॉन्ड्स क्या है एक स्पेशल तरीके के बॉन्ड्स बॉन्ड्स मतलब क्या होता है वो डॉक्यूमेंट जिसके बदले में आप उधार लेते हैं उसको कहा जाता है बॉन्ड नॉर्मली किसी भी बॉन्ड के ऊपर क्या लिखा रहता है लोन का अमाउंट इतने रुपए हमने लोन लिया इंटरेस्ट कि कितना परसेंट इंटरेस्ट के साथ आप लोन को लौटाएंगे और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मैच्योरिटी कि कितने साल के लिए लोन लिया है पांच साल दस साल पंद्रह साल तो तीन चीजें होती हैं मेनली किसी भी नॉर्मल बॉन्ड में लोन का अमाउंट इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड कि कितने दिन बाद जो लोन लेने वाली पार्टी है वो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करेगी इस तरीके के बॉन्ड्स को कहा जाता है नॉर्मल बॉन्ड्स उसके लिए टेक्निकल टर्म है प्लेन वनीला बॉन्ड प्लेन वनीला बॉन्ड मतलब एक सिंपल बॉन्ड जिसके अंतर्गत तीन चीजें होती हैं अमाउंट टाइम पीरियड एंड इंटरेस्ट बात खत्म उनको इकोनॉमी की भाषा में कहा जाता है प्लेन वनीला बॉन्ड बट एटी वन बॉन्ड्स आर स्पेशल ऑफ उसमें क्या होता है कि लोन अमाउंट तो है इंटरेस्ट तो है लेकिन मच्योरिटी पीरियड नहीं है देर इज नो प्री डिटरमाइंड मच्योरिटी पीरियड जैसे मैंने आपसे एक लाख ,00 रुपए का लोन लिया और उसके बदले में हमारी बातचीत हुई कि हर महीने में आपको दो दो हजार रुपए इंटरेस्ट के तौर पे दूंगा और उसके बदले में मैंने आपको एक बॉन्ड पेपर दिया अब आप पूछेंगे सर कितने महीनों बाद प्रिंसिपल अमाउंट एक लाख रुपए भी लौटाओगे मैं नहीं एक लाख रुपए नहीं लौटाऊंगा मैं। आपको मैं हर महीने दो दो हजार देता रहूंगा देता रहूंगा देता रहूंगा अनलिमिटेड मच्योर डेट सच काइंड ऑफ बॉन्ड्स आर नोन एज एटी वन बॉन्ड एटी वन बॉन्ड्स आर एनी मच्योरिटी डेट दे डेट हर सकता है। जब तक बैंक ना चाहे तब तक वो सिर्फ इंटरेस्ट देता रहेगा काम चलता रहेगा तो एटी वन बॉन्ड्स आर अनसेक्योर्ड बॉन्ड्स मतलब उसके बदले में कोई ऐसे कोलेटरल नहीं रखा जाता कोई असेट नहीं रखा जाता आर पार्ट ऑफ टीयर वन कैपिटल टीयर वन कैपिटल बैंक अपना खुद का कैपिटल देखिये नॉर्मली टीयर वन कैपिटल क्या होता है बैंक का अपना खुद का पैसा लेकिन बैंक के खुद के पैसे में इक्विटी कैपिटल तो आ गया शेयर होल्डर्स ने जो पैसा मिलाया एटी वन बॉन्ड का भी पैसा टीयर वन में ही काउंट होता है क्यों क्योंकि जब तक बैंक ना चाहे तब तक वह पैसा उसको वापस नहीं करना है कॉल ऑप्शन इज विद द बैंक इट सेल्फ फॉर एग्जाम्पल आई एम एम बैंक सो इफ आई है वन करोड़ रुपी वाया एटी वन बॉन्ड्स तो नाउ दिस वन करोड़ बिलोंग्स टू मी एज लॉन्ग एज आई एम गिविंग इंटरेस्ट सो दैट इज हाउ आई कैन से दिस सेन करोड़ इज लाइक माई ओन मनी एंड दैट इज वाई दो नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि टीयर वन में बैंक का खुद का पैसा रहता है बट टीयर वन कैपिटल में इक्विटी शेयर के अलावा इक्विटी कैपिटल के अलावा एटी वन बॉन्ड द्वारा रेज किए हुए कैपिटल भी होते हैं क्योंकि वो एटी वन बॉन्ड का जो कैपिटल है वो बैंक का ही है अपमान के चलिए टेक्निकली बैंक उस पर सिर्फ इंटरेस्ट देते रहना हर महीने एटी वन बॉन्ड इसी से रिलेटेड यह करेंट न्यूज था आई डि नॉट वॉन्ट टू दिस गेट इन टू दिस न्यूज बिकॉज दिस न्यूज इज नॉट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू

कैपिटल एडिक्एसी रेशियो का टारगेट मिस होने लगता है तो उनके पास क्या उपाय एटी वन बॉन्ड से पैसा रेज करें नहीं तो अपने इन्वेस्टर्स के थ्रू पैसा रेज करें तो बारह हजार करोड़ एटी वन बॉन्ड्स के थ्रू रेज करने वाली थी एस बट अभी के लिए वो प्लान ड्रॉप कर दिया दैट इज द न्यूज अच्छा बेजेल थ्री नॉर्म्स में कैपिटल एडिक्एसी रेशियो के अलावा देर आर टू मोर एरियाज फोकस एरियाज ऐसा कहते हैं सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस तो टाइम टू टाइम सुपरविजन करना सेंट्रल बैंक द्वारा कि बैंक्स अपने नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और तीसरा मार्केट डिसिप्लिन कि अपार्ट फ्रॉम फॉलोइंग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो द बैंक शुड बी आल्सो विजिलेंट विथ रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट्स हैपनिंग इन द मार्केट फाइनेंशियल मार्केट कोई भी रिस्की सेक्टर में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना है बिकॉज दैट मे लीड टू अचुएशन नोन एज बैंक रन बैंक रन मीन्स फेलियर ऑफ द बैंक सो दीज आर द्री पिलर्स ऑफ बेजल नॉर्म्स यूपीएससी में एक बार सरल शब्दों में पूछ लिया था थ्री पिलर कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर वॉज बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन तो यही बात यहाँ लिखी है बेसल शहर है स्विटरलैंड में और बेसल के अंदर है बी आई एस ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट नाइनटीन थर्टी में बनाया गया था बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ डिफरेंट कंट्रीज टू हारमोनाइज इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इसी बी आई एस में बाद में बना दिया गया इसी के ऑफिस में बना दिया गया बेजल कमिटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन जो दिया है फॉर सेफ बैंकिंग बेसल नॉम्स इन एटी एट टू थाउजेंड फोर टू थाउजेंड टेन टू थाउजेंड टेन वाला जो टारगेट की की दिया नाइन फॉर शेड्यूलर्सियलेंट फॉर पब्लिक सेक्टर कैपिटल एंड टीयर टू कैपिटल डिवाइडेड बाई रिस्क वेट है कैपिटल रेस थ्रू ए टी वन बॉन्ड्स एटी वन बॉन्ड्स आर परपेचुअल बॉन्ड्स तो ये कैपिटल एडुकेश रेशियो पे यूपीएससी ने साल 2018 में ये प्रश्न पूछा था और एटी वन बॉन्ड्स पे मैंने ये आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है प्लीज अटेम्प्टोथ दीज क्वेश्चन आंसर कॉमेंट सेक्शन टॉपिक इज अबाउट टीवीएस कमिटी ईवी सोमनाथन कमिटी दिस टॉपिक इज इंपोर्टेंट फ्रॉम प्रोलिप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखिए मैंने आपको न्यूज पेपर एनालिसिस में बताया था कि कैसे निर्मला सीतारामन जी ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल एफ को चेयर किया हाल फिलहाल में एक एफ एच डी सी एक काउंसिल है विच इज चेयर बाय द फाइनेंस मिनिस्टर तो एफ एच डी सी की मीटिंग में फिर बात हुई कि अलग अलग सेक्टर चाहे इंश्योरेंस सेक्टर हो बैंकिंग सेक्टर हो म्यूचुअल फंड के लिए हो अलग अलग सेक्टर के लिए केवाईसी लगता है नो योर कस्टमर नॉर्म्स लगता है जिसमें कस्टमर को अपनी डिटेल्स देनी होती बट अलग अलग सेक्टर्स के लिए केवाईसी नॉर्म्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अलग अलग हैं। सो क्यों ना अलग अलग सेक्टर्स के लिए जो केवाईसी नॉर्म्स हैं वो यूनिफॉर्म कर दिया जाए ये आइडिया आया एफ पे में और इसको कैसे किया जाना है यूनिफॉर्म केवाई नॉर्म इन डिफरेंट सेक्टर्स इसको कैसे किया जाए इसके लिए फिर भारत सरकार ने कमिटी बना दी है ंडर फाइनांस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन तो पीटी परसपेक्टिव से याद रखिएगा सीधा सीधा पूछ लेगा कि टीवी सोमनाथन कमेटी क्यों बनाई गई आंसर वी टू ब्रिंग यूनिफॉर्म के वाई सी नॉर्म अक्रॉस ऑल सेक्टर्स लोकपाल को लेकर के पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि लोकपाल शुड बी हेडेड बाई जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नॉट हाई कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और लोकपाल के अंदर टोटल एट मेंबर्स होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम चेयरपर्सन इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है बट तीसरा स्टेटमेंट सही है पूछा है विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट तो करेक्ट आंसर बी वन एंड टू ओनली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इन 1959 एब्सोल्युटली करेक्ट सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे थैंक्स फॉर वाचिंग